हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल लुनारे। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, मीनिंग जानी थी वो है क्या, इसके टाइप्स जाने थे। इसके साथ साथ मैंने आप सभी को इसके जितने भी फीचर्स है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बताई थी पिछले लेक्चर्स में, राइट। तो डियर, आज का जो बेसिकली लेक्चर है, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो टाइप्स हैं, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं 6 टाइप्स है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसको हम आज लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, राइट। तो जी, फटाक से सबसे पहले जानते हैं कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, ओके। तो डियर, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि लेक्चर बड़ी हो सकती है, ओके। तो जी, आप सभी को इसके लिए एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, आप सभी ने सुना हो या ना सुना हो, आप सभी जानते हैं प्रोड्यूसर कौन होता है, क्योंकि आप सभी नए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये जान ही ले। प्रोड्यूसर, उसके बाद आते हैं होलसेलर, होलसेलर, राइट। आप डेफिनेटली आप सभी ने क्या सुना होगा इसके बारे में। फिर रिटेलर, फिर आते हैं हमारे कस्टमर, ठीक। फिर क्या, कौन आते हैं, कस्टमर आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कंज्यूमर, या फिर कस्टमर। तो डियर, यहां पर मेरे को आप सभी को एक चीज बतानी है कि कभी भी कुछ भी प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो जी, फॉर एग्जाम्पल सोनी, चलो सोनी का नहीं, एप्पल का लेते हैं, ठीक। एप्पल ने लैपटॉप बनाया, प्रोड्यूसर का काम है, ठीक है, बनाना प्रोड्यूसर का काम होता है। एप्पल ने बहुत सारे लैपटॉप्स बनाए, मोबाइल्स बनाए, तो वो क्या करते हैं, होलसेलर्स को देते हैं। होलसेलर किसको देते हैं, फिर रिटेलर को देते हैं, ठीक है। तो जी, रिटेलर क्या करते हैं, रिटेलर फिर फाइनली आप कंज्यूमर को देते हो। तो आप जो कंज्यूमर्स हो, आप जो कस्टमर हो, वो आप पक्का रिटेलर शॉप के पास जाते हो, ठीक है। जो भी उसकी, आप हमेशा कभी भी कोई भी जिसको भी कोई भी प्रोडक्ट लेना होगा, ठीक है, तो वो कभी प्रोड्यूसर के पास नहीं जाता, वो हमेशा रिटेलर के पास जाएगा या फिर ज्यादा से ज्यादा होलसेलर के पास जाएगा। प्रोड्यूसर के पास बहुत कम चांस होता है। अब जी, यहाँ पर ध्यान से सुनना, अब जी जो ये प्रोड्यूसर होता है, ठीक, तो ध्यान पर ध्यान से सुनना, ये आपको जो सामान है, फॉर एग्जाम्पल कीजिए ये जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, इसने 5 रुपीज का एक सामान बनाया, ठीक, और इसने क्या कर दिया, आपको ₹10 में आपको बेच दिया, ठीक। इस प्रोड्यूसर ने 5 रुपए का सामान बनाया और आपको ये 5 रुपए का सामान 10 रुपए में बेच दिया, ठीक। तो मतलब इसका 5 रुपए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक। अब जी, इसके पास क्या, 10 रुपए का सामान आ गया, ठीक है। अब जी, ये क्या करेगा, होलसेलर वाला ये रिटेलर को बेच देगा, कितने में, 15 रुपए में, 15 रुपए में ये बेच देगा। तो अब होलसेलर कितना प्रॉफिट रखेगा, यहाँ पर 5 रुपए प्रॉफिट रखेगा, है ना। अब जी, जो रिटेलर क्या करेंगे, अब हम कंज्यूमर को बेच देंगे ₹20 में, ठीक, और यहाँ पर क्या कर देंगे, वो ₹5 का वो क्या रख लेंगे, प्रॉफिट रख लेंगे। तो जी, यहाँ पर ये सिस्टम ऐसे होता है, जो सामान 5 रुपए में बना है वो अब हमको कितना, ₹20 में मिल रहा है, राइट। तो डियर, ऐसा ही होता है, अब रियल चेन में जाएंगे तो ऐसा ही फॉलो होता है मैक्सिमम, ठीक। प्रोड्यूसर ने 5 रुपए का बनाया और आपको होलसेलर को बेच दिया 10 रुपए में, और यहाँ पर कितना, 5 रुपए प्रॉफिट प्रोड्यूसर ने रख लिया। वैसे ही होलसेलर ने क्या किया, 10 रुपए का सामान था, अब वो उस सामान को क्या कर दिया, रिटेलर को 15 रुपए में दे दिया। तो जी, अब यहाँ पर वो क्या कर देगा, 5 रुपए का वो क्या कर लेगा, प्रॉफिट रख लेगा, है ना। अब जी, ये रिटेलर 15 रुपए का सामान को 20 रुपए में आपको बेचेगा, अब हम कंज्यूमर को, और जी 5 रुपए प्रॉफिट रखेगा। तो जो सामान 5 रुपए का हमें मिलना चाहिए था, वो 20 रुपए का मिल रहा है, ठीक। तो जी, ये जो मिडल मैन है, ये जो होलसेलर और रिटेलर को हम क्या कहते हैं, मिडल मैन, ठीक, हम इन्हें क्या कहते हैं, मिडल मैन। तो जी, ये मिडल मैन क्या करते हैं, हम मतलब प्रोड्यूसर से हमें सामान ला के देते हैं, ठीक। तो जी, और मैं आप सभी को एक चीज बताऊं, जो प्रोड्यूसर है ये हमेशा सामान उसको बेचता है जो प्रोड्यूसर से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदेगा, ठीक।
जैसे होलसेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर से बहुत लार्ज क्वांटिटी में खरीद लेता है, एकदम 500-600 प्रोडक्ट एक साथ खरीद लेगा, तो उस समय क्या करता है प्रोड्यूसर ऐसे केस में क्या करता है उस बंदे को देता है। तो जी ये जो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, ये भी एक ऐसी सोसाइटी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कीजिए एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक, यहाँ पर अराउंड 70 मेंबर्स है। अब जी 70 मेंबर्स ने सोचा कि यार अभी गर्मी बहुत आ रही है, समर्स आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एसी खरीदना चाहिए, हमें क्या खरीदना चाहिए, एसी खरीदना चाहिए। अब इन्हें पता है कि अगर ये रिटेलर के पास जाएंगे तो वो क्या होगा, महंगा मिलेगा, ठीक। तो अब जी इन लोग क्या करेंगे, तो जी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, बहुत सारे लोग को कलेक्ट कर लेती है और क्या करती है, डायरेक्ट जाके प्रोड्यूसर से सामान खरीदती है, डायरेक्ट जाके प्रोड्यूसर से सामान खरीदती है और होलसेलर और रिटेलर को यहाँ पर हटा देती है। तो जी अब आप ही बताइए कि अगर 70 मेंबर्स हैं और इन सभी 70 एसी खरीद रहे हैं, ठीक, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इनको आराम से दे देगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बल्क में सामान खरीद रहे हैं, ठीक, वो लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हैं, ठीक। तो जी यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या करेगा, उन्हें बहुत इजिली सामान दे देगा, है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हैं। तो डियर यही होता है रियल लाइफ में फैक्ट। तो जी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहां पर कंज्यूमर क्या करते हैं, अपना बहुत सारे मेंबर्स को कलेक्ट कर लेते हैं और जी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जहां पर वो क्या करते हैं, डायरेक्ट सामान प्रोड्यूसर से खरीद लेते हैं कि उनको सामान सस्ते में मिले, ठीक। तो जी प्रोड्यूसर इनको जो सामान इनको एकदम महंगे प्राइस में रिटेलर देता है, अब वो प्रोड्यूसर इनको क्या करेगा, बहुत सस्ते दामों में देगा। अब जी आप ही बताइए कि आप कोई भी आप चले गए कोई भी एसी शॉप में, ठीक, फॉर एग्जांपल एलजी की शॉप में चले गए। अब जी एलजी की शॉप में गए और उनको बोले कि भाई मुझे 70 एसी दे दे, तो वो क्या करेगा, आपको आराम से देगा 70, प्लस आपको डिस्काउंट भी देगा, प्लस आपके घर में फ्री में ला के देगा, ठीक है। तो जी वो क्या करेगा, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा, क्योंकि आपने उससे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, सबसे लार्ज क्वांटिटी में आपने उससे सामान खरीदा है, तो वो भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाओगे। आप इसलिए खुश होगे क्योंकि आपको जो सामान रिटेलर महंगे में दे रहा था, वो प्रोड्यूसर जो है आपको बहुत सस्ते में दे दिया, है ना। तो जी यही होता है, इसलिए कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बनाया जाता है कि आप प्रोड्यूसर से डायरेक्ट सामान खरीद ले, जिसमें आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी का सामान आपको इजिली बहुत कम प्राइस में मिल जाए, है ना। तो डियर यहाँ पर आपकी बुक्स में मेन ऑब्जेक्टिव भी दिया है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों करता है। तो डियर यहाँ देखिए मैंने ऑब्जेक्टिव में लिख दिया है। अब जी आप कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जहां पर ये क्या करता है, आपको एलिमिनेट मिडलमैन, जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग को एसी खरीदना था तो हम लोग ने क्या किया, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से मांग लिया, होलसेलर रिटेलर के पास गए नहीं, ठीक है, तो इनकी हमें को जरूरत नहीं है, हम क्या किए, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से मांग लिए। तो जी एलिमिनेट मिडलमैन, क्योंकि यहाँ पर मिडलमैन को इन्होंने हटा दिया, है ना। अब जी चीप प्राइस, अब जी आप प्रोड्यूसर से डायरेक्ट खरीदेंगे बहुत लार्ज क्वांटिटी में, वो क्या करेगा, आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करके देगा, तो इसमें यहाँ पर मैंने लिखा है चीप प्राइस, और जी और सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी में भी देगा प्रोड्यूसर। तो जी ये तीन ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब जी अगले इसमें बढ़ते हैं, अब हमारे पास है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जी अगला है हमारे पास प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसे भी बड़े ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल कीजिए कि फार्मर्स, आप सभी जानते हैं फार्मर्स कौन होते हैं, एब्सोल्युटली आप सभी जानते होंगे फार्मर्स कौन होते हैं, जिसे आप हिंदी में ऋषि कहते हैं शायद से, है ना। तो फार्मर्स आप सभी को पता है इंडिया में आज भी बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनके पास प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, मतलब जिनको फार्मिंग करने के लिए उनके पास अच्छी मशीन नहीं होती है, फर्टिलाइजर्स नहीं होती है, जो HIV सीड्स रहते हैं, जो अच्छा प्रोड्यूस करने के लिए रहता है वो उनके पास नहीं रहता है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या रहती है, बहुत महंगी रहती है, जैसे इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्योंकि प्रोड्यूसर जो रहते हैं ना, ये उससे एफर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या कहते हैं, एफर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो सारी चीजें क्या रहती है, बहुत महंगी रहती है। तो फार्मर्स क्या है, तरीके के प्रोड्यूसर्स है, है ना। तो जी फार्मर्स जो है, तो जी जैसा मैंने आपको बताया कि फार्मर्स जो है ना, उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो क्या कर कुछ भी चीज खरीद नहीं पाते, ना इरीगेशन, ना फर्टिलाइजर्स, ना कुछ भी, ठीक। तो
जी इन लोग भी क्या कर लेते हैं, आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा फार्मेसी बनाए, और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स रहते हैं, छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स रहते हैं और भी कंपनीज के कुछ हुए, तो वो क्या करते हैं एक सोसाइटी बना लेते हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, तो जी जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, जो सामान बनाता है। ठीक, और जी जो दूसरा प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, ये जो प्रोड्यूसर है जिसने सामान बनाया है ये वो। ठीक है, एक प्रोड्यूसर क्या होता है जो सामान को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, और दूसरा प्रोड्यूसर क्या होता है जो पहले वाले प्रोड्यूसर जो जो बनाता है सामान उस सामान को बेचता है। ठीक, तो जी तो इन लोग क्या कर लेते हैं आपस में एक सोसाइटी बना लेते हैं। अब जी जैसे इनके पास क्या रहता है, कोई कोई प्रोड्यूसर्स के पास ना, मैं आपको बता देता हूँ, प्रोड्यूसर्स कंफ्यूज ना हो, जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं। ठीक, अब जी कुछ कुछ प्रोड्यूसर्स के पास पैसे नहीं रहते। ठीक, तो पैसे नहीं रहते तो वो क्या कर, जो नई नई टेक्नोलॉजी रहती है, जो नए नए मशीन्स रहते हैं, वो सब ये क्या जो भी प्रोड्यूसर्स है वो ले नहीं पाते, तो इन लोग क्या करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देते हैं, जहाँ पर ये क्या करते हैं आराम से मिलकर क्या करते हैं मशीन्स को क्या करते हैं खरीद लेते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी को खरीद लेते हैं, और फिर प्रोडक्शन का काम करते हैं, सामान बनाते हैं और उसको क्या करते हैं बेच देते हैं। ठीक, तो इसलिए प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है। अब जिसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं, तो जी मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर्स का ऑब्जेक्टिव देखिए। अब जी और एक बार ध्यान से सुन लीजिए, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहां पर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं। ठीक, अब जी प्रोड्यूसर्स के क्या, उनको मतलब मशीन्स लेने के लिए, इनपुट्स लेने के लिए, रॉ मटेरियल्स लेने के लिए बहुत पैसा लगता है, तो उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो वो क्या करते हैं आपस में मिल जाते हैं और वो सारी चीजों को खरीद लेते हैं, जिससे वो अपना काम प्रोड्यूस, ठीक है, सामान बना लेते हैं इजिली, और उसको क्या कर देते हैं मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। ठीक, तो इसलिए वो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है। तो जी इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब जी देखिए, अब जी मैंने आपको बताया कि अब जी कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी से इन लोग क्या कर लेते हैं आराम से सामान इजिली ला लेते हैं, रॉ मटेरियल्स। अब जी इसके कारण क्या होता है, उन लोगों के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीन्स आ जाती है। ठीक, अब जी अब हम लोग कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के बारे में जानते हैं। अब दिया जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। अब जी कुछ कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसको मार्केट में सेल नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, सॉरी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बना लेते हैं, जहां पर वो क्या करते हैं अपना सामान को इजिली बेच पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर मेंबर क्या करता है इक्वली पार्टिसिपेट करता है, और हर प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है उसको आराम से मार्केट में सेल कर देता है बहुत अच्छी प्राइस में, और जिससे प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। ठीक, तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ऐसे काम करती है। अब जी अब अगला है हमारे पास, सो डियर जो अब हमारे पास अगला है वो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इसे अर्बन बैंक्स भी कहा जाता है। तो डियर यहाँ पर क्या होता है, कोई कोई पीपल ऐसे होते हैं, ध्यान से सुना, कोई कोई पीपल ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। ठीक, तो वो क्या करते हैं उन्हें लोन की जरूरत पड़ती है, तो अब जी वो लोन लेने कहाँ कहीं भी चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक जाते हैं, या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाते हैं, या फिर कहीं भी जाते हैं, तो उन्हें क्या होता है लोन नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत गरीब है। अब जी आप ही बताइए कि क्या बैंक एक बहुत गरीब इंसान को क्या पैसा देगा, नहीं देगा, क्योंकि बैंक को पता यार वो बंदा, क्योंकि बैंक को हमेशा बहुत डर लगा रहता है कि यार वो इतना बंदा जो है इतना गरीब है वो कैसे मेरे पैसे को लौटाएगा, है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जी ऐसे पीपल क्या करते हैं जिनको लोन की जरूरत पड़ती है, सो ये क्या करते हैं आपस में बहुत सारी मेंबर्स की एक ग्रुप बना देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, उन्हें कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कहा जाता है। अब जी ये सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे रहते हैं, मैंने तीन ही ड्रॉ किया, बहुत सारे रहते हैं, 50, 60, 80, कोई लिमिट नहीं है, है ना, तो ये सभी क्या करते हैं पैसे को क्या करते हैं सेव करते हैं, हर बंदा क्या करता है पैसे को सेव करता जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में क्या करता है अपना हर बंदा पैसे को सेव करते जाता है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल करो कि ये वाला जो बंदा है, अब जी इसको किसी मतलब कोई भी वजह से इसको पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई,
तो ये क्या करेगा, अपनी सोसाइटी को जाके बोलेगा कि यार मुझे अभी पैसे की जरूरत है तो मुझे पैसा दे दो, है ना। तो इसकी सोसाइटी क्या कर देगी, इसको पैसा दे देगी जिसको जितना भी चाहिए। लेकिन अगर यही बंदा अगर बैंक बैंक में जाएगा तो नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए क्या करता है, कोई कोई पीपल लोन के लिए क्या करता है, एक सोसाइटी बना लेता है। और ये सोसाइटी डियर बहुत बेनिफिशियल होती है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत गरीब लोगों जो रहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है। अर्बन में भी ये सोसाइटी जो रहती है वो बहुत बनाई जाती है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा रूरल एरियाज में फॉलो किया जाता है ना। अब जी यहाँ पर मैं आप सभी को और एक चीज बता देता हूँ कि इस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या, आपको समझ में आ गया क्यों सोसाइटी बनाते हैं। अब जी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये क्या करता है, सेविंग हैबिट को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। अब जी अब हर बंदा सेविंग करेगा तो वो क्या करे, हैबिट बना रहा है सेविंग करने की। अब जी लोन ऑन इजी एंड लो इंटरेस्ट, अब जी ये बंदा मतलब जो भी बंदा है इस मेंबर में, इस सोसाइटी में जो भी मेंबर है उसको क्या, अगर पैसे की जरूरत चाहिए तो उसको पैसे दे देते हैं और जी उसमें बहुत लो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक। अब जी प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स, डियर आप सभी जानते नहीं होंगे, रूरल एरियाज में आप सभी ने मूवीज या पिक्चर्स विक्चर्स में देखा होगा कि कोई कोई पीपल क्या रहता है, बेसिकली जैसे गरीब लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई जो बड़ा ठेकेदार रहता है, ठीक है, या फिर जो भी बहुत कैसे कहे, जो भी कोई भी गांव का कुछ भी बहुत बड़ा होगा, सरपंच टाइप का कुछ भी, तो उससे क्या कर लेते हैं, पैसा मांग लेते हैं, उनको जरूरत रहती है। तो अब जी कभी कभी कोई कोई पीपल दे नहीं पाता है, तो मनी लेंडर्स जो रहते हैं, जो उनको पैसे दिए हैं, वो क्या करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, ठीक है, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, बोलते हैं कि भाई तू पैसा दे, तू नहीं देगा तब तक मार खाएगा, यही सब चलता रहता है, ठीक है। तो जी इसलिए क्या रहता है, ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है वो मनी लेंडर से इनको, जो भी गरीब लोग हैं, जो भी पीपल है, उनको बचा के रखता है, ठीक है। तो इसलिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बहुत यूजफुल है, ओके। अब जी अब हमारे पास है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, बट तभी जान लो। अब कभी कभी क्या होता है, कोई कोई पीपल ऐसे रहते हैं जिनके पास रहने के लिए ही मतलब घर नहीं होता है, ठीक है, छत ही नहीं होती है, रूफ ही नहीं रहता है रहने के लिए, तो ऐसे मेंबर्स क्या करते हैं, जो गरीब लोग, वो क्या करते हैं, एक मैम मतलब एक सोसाइटी बनाते हैं मेंबरशिप की, जहां पर बहुत सारे पुअर पीपल रहते हैं, जो जिन मतलब बहुत सारे रहते हैं, और वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। उससे उन लोग क्या करते हैं, फ्लैट बनाते हैं, और जी जैसे फ्लैट बन जाता है तो ये सोसाइटी क्या करती है, उन फ्लैटों को क्या कर देती है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको दे देती है बहुत इजी इंस्टॉलमेंट में, है ना। तो जी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है ना। तो जी इसी के साथ डियर ये वाला तो टॉपिक खत्म होता है, लेकिन और एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप जान ले। अब जी हमारे पास है अगला कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, या फिर इसे कहते हैं एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। अब जी एक ऐसी सोसाइटी होती है, ध्यान से सुनना, जहां पर क्या होता है कि मतलब कोई कोई बड़े फार्मर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर फार्मिंग, ये बेसिकली फार्मर्स के लिए होता है, ठीक, ये सोसाइटी। तो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, बड़ा सा लैंड खरीद लेते हैं, मशीन्स वशीन्स भी वो खरीद लेते हैं, ठीक, फर्टिलाइजर्स भी खरीद लेते हैं, इरीगेशन भी सब खरीद लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भी छोटे छोटे फार्मर्स है उनको अपने वाले लैंड में बुलाते हैं, ठीक, और उनको बोलते हैं ले मशीन ले, फर्टिलाइजर्स ले, ये सारी ले, और मेरे जो फार्मिंग है इसमें तू काम कर, आधा हिस्सा तू लेना और आधा हिस्सा मैं लूंगा, राइट। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में ऐसी होता है, ठीक, जहां पर छोटे फार्मर्स को एक तरीके की नौकरी मिल जाती है, बड़े फार्मर्स दे देते हैं, ठीक। तो जी यहाँ पर क्या मिलता है, प्रोवाइड सीड्स इरिगेशन एक्सेट्रा, मैंने जैसा आपको बताया कि बड़े फार्मर्स क्या करते हैं, पहले पहले से उनको सीड दे देते हैं, इरिगेशन सिस्टम दे देते हैं, जहां पर वो क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने में छोटे फार्मर्स काम कर सकते हैं। अब जी प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीजेंट्स, अब जी अच्छी बात है, देखिए अब जी जो छोटे फार्मर्स है, ठीक है, तो ये सोसाइटी क्या करता है, छोटे फार्मर्स को काम देता है। अब जी अगर ये काम नहीं देता सोसाइटी तो क्या होता, अब जी उनके पास देखिए ना तो उनके पास पैसे आते, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और ना तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेकार हो जाती, लेकिन ये सोसाइटी उनको क्या करता है, नौकरी देता है, जिसके कारण वो पैसा भी कमा लेते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव भी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीजेंट्स, ओके, पीजेंट्स मतलब होता है फार्मर्स, राइट। तो डियर इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो खत्म होता है, इसी के साथ मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।